सफारी, जिप्सी, बस, ट्रक, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, सब 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 तबाह कर दिए यार। हुंडई का पूरा शोरूम था यहाँ पे, गाड़ियाँ भी थी अंदर, सब डैमेज कर दिया। स्टार्टिंग इसकी वहीं से हुई यार, एक्चुअली रोड तो इधर से था बट वहीं से इसने डायरेक्शन चेंज कर दी पानी की। टैंकर वाले ये लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख बट अभी फ़िलहाल फंस गए हैं। मुझे लग रहा है 10-15 दिन में जैसे ये हाईवे थ्रू हो जाएगा तो उनको भी जाने के लिए हो जाएगा। करता था रॉयल इनफील्ड का शोरूम, डबल फ्लोर था एंड यहाँ पे वॉल्वो का सर्विस स्टेशन भी था, वो पूरा का पूरा चला गया है, तालाब बन गया। यहाँ से आई थी नदी बिल्कुल बीचों बीच, था होटल था, कैंपिंग था, रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था यार इनका, मनाली पिकनिक स्पॉट करके। बट अभी नामो निशान नहीं है, सबका सब गायब हो गया, सिर्फ 3 कैंप बचे हुए हैं ऊपर के, बाकी बहुत बड़े। ये देख लो ऊपर की गाड़ियाँ भी सारी थ्रू हो गई है इस रूट पे। जो लोग बीच के उस साइड हैं उन लोगों को वहीं बैठना पड़ेगा जब तक ये रोड ओपन ना हो। छोटे बच्चे के साथ तो यार ज़्यादा मुश्किल है बेचारे, रास्ता भी है ही नहीं पूरा। यह दोस्तों मेन क्लाथ, थोड़ा सा आगे आ गया था मैं जहाँ हॉट स्प्रिंग था एंड यहाँ पे है वृद्धाश्रम। शुक्र है यार पूरी की पूरी बिल्डिंग सेफ है एंड अंदर भी सब लोग ठीक है। मैंने पूछा था अंदर जाके इनको, लास्ट यही बिल्डिंग बची है यार, आप बिलीव नहीं करेंगे। मनाली अभी भी यहाँ से 12 किलोमीटर है, अभी हम लोग आए हैं 2 किलोमीटर, यहाँ से आगे 12 किलोमीटर अभी और है। नैनो किस भाई की होगी यार, बेचारा ख़त्म हो गई है नैनो भी। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सनी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सुबह के 9 बज गए हैं एंड अभी मैं घर पे हूं, ये अपना घर है, अपने घर से ही स्टार्ट कर रहा हूं अपनी ट्रिप। एक्चुअली दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी मनाली में ही खड़ी है, तो मैं आज यहां से जाऊंगा नीचे 15 मील तक पैदल, वहां से भी मनाली तक 10-12 किलोमीटर पैदल ट्रैक है। तो मैं आज का पूरा दिन आज पैदल ट्रैक ही करूँगा और आपको दिखाऊँगा पतलीकुल से लेकर मनाली तक कहाँ कहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज का ब्लॉग आप पूरा देखिए क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गाड़ी मेरे पास है नहीं यार, सारा का सारा रूट आज पैदल ही होगा। दोस्तों अभी मैं अपने घर से निकल गया हूँ, जस्ट यहाँ से शॉर्टकट जाता है सीधा नेशनल हाईवे को, कुल्लू मनाली का जो हाईवे हुआ करता था, बट वो रोड तो अभी बंद है। बट मैं सीधा हाईवे में निकलूँगा एंड वहाँ से पैदल ही जाऊँगा मनाली तक, क्योंकि गाड़ी भी मेरी मनाली में है तो रास्ते में जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है या रोड बंद है वहाँ का भी मैं आज आपको अपडेट कर दूंगा। एंड ये वाले रास्ते की बात करूँ तो दोस्तों ये अपने घर से होके रोड जाता है बट अभी हाईवे के साथ ये कनेक्ट नहीं है। जिस दिन ये हाईवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उस दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा, हमारे गाँव के लिए, मेरे गाँव के लिए और हम लोगों के लिए, क्योंकि ईजीली पहुँच जाएंगे मार्केट हाईवे में। रोड तो आगे जाता है, आगे से ये रोड डाइवर्ट होके नीचे को आएगा, अब ये रोड सिर्फ आगे तक है मेरे खेत तक, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये शॉर्टकट है सीधा। ये है दोस्तों एप्रिकॉट का पेड़, एप्रिकॉट भी ख़त्म हो गए हैं। इस साइड है पलम के पेड़, पलम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। पलम में अलग अलग वेराइटीज़ है तो जो दूसरी वेराइटी है वो अभी लास्ट तक चलेंगे, बाकी के पलम का सीज़न तो ख़त्म हो गया। एंड अभी स्टार्टिंग होने वाला है नाशपति, नाशपति का ऑलमोस्ट निकल रहा है, अभी लोग निकाल रहे हैं सब्जी मंडी में जाके उसको बेच रहे हैं। सेब का भी नेक्स्ट मंथ तक निकलेगा, सेब का भी सीज़न तैयार नहीं हुआ है। ये वाला वो रोड है यार जो अभी बन के तैयार होने वाला है, यही वाला मिलेगा अपने रोड के, अपने घर के काले रोड के साथ कनेक्ट होगा, वो वाला नेशनल हाईवे है। अभी नीचे से लेकर ऊपर तक अभी 1-1.5 किलोमीटर तक ही रोड पहुँचा है, बरसात काम करने दे नहीं रहा, नहीं तो ये रोड थोड़ा ऊपर पहुंच जाता। ये देख लो सेब यार पूरे के पूरे लाल हो गए हैं, आपको लग रहा होगा कि यार सेब तो पूरे रेडी हो गए हैं बट ये अभी जो सेब की वैरायटी है ये अर्ली वैरायटी है, ये सबसे पहले तैयार हो जाती है, बाकी इसमें सेब में जो वैरायटी रहती है जितनी भी वो सब अगस्त में ही तैयार होते हैं। फाइनली ये है दोस्तों अपना कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे जो इस टाइम सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही, तो यहाँ से मनाली है 10-12 किलोमीटर, तो 10-12 किलोमीटर आज मैं पैदल ही जाऊँगा। ब्रेकफास्ट भी यार अभी तक नहीं किया, आगे जाके कहीं पे करूँगा ब्रेकफास्ट भी।
जो रोड मैंने आपको बताया था अपने घर से होके जाता था उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है, ये वाला रोड जाता है। बट रोड भी अभी ये स्टार्ट हुआ है बनना, तो अभी कच्चा है रोड। और इस जगह पर देखो पूरा पूरा मलबा आ गया है। ये वाला हाईवे तो पूरी तरह बंद है, मैंने आपको बता ही दिया, और आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ। बट फिलहाल लोगों को जाने के लिए नगर एंड कुल्लू वाला हाईवे ओपन है, जो मैंने आपको दिखा दिया था लास्ट ब्लॉग पे। अभी 15 मील से जस्ट मैं आया हूँ थोड़ा सा आगे, एंड ये वाला ब्रिज जाता है बटाहर ब्रिज, बटाहर गांव होते हुए नगर कुल्लू हाईवे में कनेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये बकेट, ये बकेट है हॉट एयर बैलून की बकेट, शायद हॉट एयर बैलून भी बह गया होगा। अभी दोस्तों 1 किलोमीटर पैदल ट्रैक मेरा हो गया है कंप्लीट, एंड यहाँ पे है नेचुरल वाटर सोर्स, यहाँ पे मंदिर भी है भोलेनाथ का, रोड के साथ में ही नेचुरल वाटर का सोर्स भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी पीऊँगा क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं यार। एंड ये वाला रोड तो पूरा कंप्लीट बंद पड़ा है, कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई होटल नहीं है, तो आगे जाके देखता हूँ अगर ब्रेकफास्ट मिलता है कहीं ढाबे पे तो ठीक है, नहीं तो फिर जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड एक नाशपाती भी मैंने निकाल के लाई थी अपने गांव से। पानी यहाँ का एकदम इतना ठंडा है ना, बिल्कुल चिल्ड। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये वाली फूड वैन यहाँ पे होती थी बट अब ये यहीं पे फंस गई है क्योंकि आगे भी रोड बंद है एंड पीछे भी, दोनों जगह रोड बंद है, तो इसको कहीं नहीं ले जा सकते। जहाँ से मैं हाईवे से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से अभी हम लोग आगे, मैं आ गया हूँ 1.5 किलोमीटर आगे, एंड यहाँ पे देख लो पूरा पूरा रोड ही बैठ गया है। अगर एक साइड से भी गाड़ियाँ जाने को हो जाता तो भी अवेलेबिलिटी हो जाती, बट रोड अब पूरा पूरा टूट गया है। तो अभी यहाँ से जाएंगे ऊपर से देखता हूँ, थोड़ा रिस्की है यहाँ से जाना, इतनी बड़ी बड़ी RCC इनको सबको तबाह कर दिया। बाकी तो ठीक है यार, पैदल जाने को भी रास्ता नहीं है, यहाँ से पूरा स्टीप स्टीप ही बना हुआ है, तो ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा फोन जेब में ही डालना पड़ेगा नहीं तो घिर सकता है। तीन भाई अपने साथ और भी मिल गए अपने साथ, ये भी जा रहे हैं पैदल ही ऊपर तक, ये देखो। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पत्थर नहीं आए और नुकसान नहीं हुआ रोड का, ये देखो। मनाली अभी भी यहाँ से 12 किलोमीटर है, अभी हम लोग आए हैं 2 किलोमीटर, यहाँ से आगे 12 किलोमीटर अभी और है। भारत गैस के ट्रक हैं ये भी, शायद फंसे हुए हैं बीच में क्योंकि आगे पीछे तो रोड है नहीं कहीं पे भी, यहीं पे रुक के बैठना पड़ेगा इनको। ओ भाई ये वाला एरिया तो यार काफ़ी बड़ा एरिया था, इतनी आगे तक इसका लॉन था, ग्राउंड इतनी परे था, नदी तो पूरी की पूरी साइड ही भाग गई। इस बार का फ्लड यार इतना ज़बरदस्त आया है ना, इसने पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया, रूट ही पूरा चेंज कर दिया। एंड यहाँ पे देख लो पेट्रोल पंप वाले है, टैंकर वाले, ये लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख, बट अभी फ़िलहाल फंस गए हैं। मुझे लग रहा है 10-15 दिन में जैसे ये हाईवे थ्रू हो जाएगा तो उनको भी जाने के लिए हो जाएगा, बेचारे 8-10 दिन से फंसे हुए हैं। इस एरिए में सबसे ज़्यादा पाइन ट्रीज हुआ करते थे यार, जो सबसे ज़्यादा छांव देते थे, सारे पाइन ट्रीज बह गए। सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ आई है इस बार नदी में, वो उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है लकड़ियाँ आएंगी तो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंस जाती है तो पानी का फ्लो इधर उधर चला जाता है, तब करके नुकसान होता है ज़्यादा। ये दूसरा पॉइंट है यार, जैसा मैंने पीछे आपको दिखाया था, तो ये सेकेंड पॉइंट है जहाँ पर पूरी तरह से रोड गया हुआ है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जगह ऐसा ऐसा रोड चला गया है तो कितना नुकसान हुआ होगा। अभी तो भाई ये रोड बनते बनते काफ़ी दिन लगेंगे जिस हिसाब से ये रोड गया है। सिर्फ पैदल जाने के लिए छोटा सा रास्ता है, आगे तो पेड़ भी गिर गया है।
तीन किलोमीटर जर्नी अपनी हो गई है दोस्तों। एंड ये जो जगह है ये है 17 माइल, 17 मील। यहाँ पे होटल भी है। मैंने काफ़ी बार अपना ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट किया था, तो आपने देखा होगा कि इस एरिया में पूरे में जंगल हुआ करता था यार, पूरा फॉरेस्ट हुआ था ये। यहाँ पे तो नदी दूर की बात पानी भी नहीं यहाँ पे आता था, नदी तो वहीं वहीं पर जाती थी। बट इस बार पूरा फ्लो इस साइड आ गया, तो पूरा का पूरा जंगल ही तबाह हो गया। हर जगह से, हर साइड से मतलब पानी ने जो है नदी को, रोड को बिल्कुल टच कर दिया है। रास्ते में जितना भी था वो सब कुछ बहा के ले गई यार। ये देखो यहाँ से भी ये रोड मिलता है ऊपर नगर कुल्लू हाईवे के लिए। बट अभी मेरे को यहाँ से आगे जाना है 7-8 किलोमीटर, तो नॉर्मल लग रहा है मुझे है अभी। यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे जाके हॉट एयर बैलून राइड हुआ करता था, नामो निशान मिटा दिया यार जंगल का तो पूरा। ये देख लो दोस्तों, अभी मैं पहुँच गया हूँ ब्रांड में। ये 18 माइल बोलते हैं इस जगह को। वहाँ से आके क्लाथ आएगा, क्लाथ अभी यहाँ से है देख 2 किलोमीटर और। बट भाई यहाँ देख लो पूरा का पूरा रोड यार। मैं पहली बार इस रोड पे आया तो पता नहीं था कि ऐसा ऐसा पूरा का पूरा रोड ही चला गया है। एंड उस साइड लोगों की कैंपिंग हुआ करती थी यार, उनका भी काफ़ी नुकसान हो गया है, आगे जाके लगेगा पता। बट पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, पब्लिक देख लो नीचे नीचे से आ रही है, तो मेरे को भी वहीं से जाना पड़ेगा। काफ़ी लोगों की गाड़ियां यार वहाँ पे पहुँचा दी है बाढ़ की वजह से, ऊपर से शायद फ्लड से आई होगी मनाली से, तो जगह जगह किनारे किनारे में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों भी लगी हुई है लोगों की। थोड़ी देर अपने चाचा है यहाँ पे बुज़ुर्ग या बेचारे, इनके साथ बैठ गया था बातें करने। काफ़ी बातें बताई इन लोगों ने, इन्होंने मुझे बताया कि यार इससे पहले फ्लड 95 में इतना ज़्यादा आया था, बट रोड का इतना नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि थोड़ा पहाड़ी पहाड़ियों को नुकसान हुआ था, फ्लड ज़्यादा आया था, पेड़ टूट गए थे, बट इतना नुकसान नहीं किया था इससे पहले यार। मेरे लिए तो है ही है, मेरे सामने तो इससे पहले नहीं आया था, बट फिर भी मैं बुज़ुर्ग चाचा उनको पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये इस बार का थोड़ा ज़्यादा फ्लड आया है। एंड ये नॉर्मल है क्योंकि थोड़े थोड़े सालों के बाद प्रकृति थोड़ा चेंज कर देती है यार हर चीज़ को, तब करके ये होता ही रहता है, ऐसा कह रहे थे चाचा। बट रोड देख लो, पैदल ही जाना पड़ेगा यार, भूख भी लग रही है, तो आगे क्लाथ में देखता हूँ क्योंकि यहाँ इसके बाद तो क्लाथ ही आएगा। ऊपर चढ़ना पड़ेगा रोड तक के लिए। पापा अभी जिस हिसाब से रोड गया उस हिसाब से लग रहा है कि यार एक महीना भी लग सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते कि कितना टाइम लगेगा। इस जगह में यार केबल कार हुआ करती थी, यहाँ से लोग जाते थे उस कैंपिंग में केबल कार के थ्रू, तो पूरा का पूरा वो केबल कार का जुगाड़ भी चला गया और लोन था इन लोगों का अच्छा खासा, वो भी चला गया। ये आपको दिख रहा होगा पिकनिक, मनाली पिकनिक स्पॉट, सबसे ज़्यादा इनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है यार। यहाँ पे पूरा का पूरा इनका काफ़ी बड़ा एरिया था, होटल था, कैंपिंग था, रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था यार इनका मनाली पिकनिक स्पॉट करके। बट अभी नामो निशान नहीं है, सबका सब गायब हो गया, सिर्फ 3 कैंप बचे हुए हैं ऊपर के, बाकी बहुत बड़ा एरिया था, पूरा का पूरा साफ हो गया। नदी देख लो किस साइड आ गई, पूरा इस साइड। ये काफ़ी पीछे थे यार, लोगों के खेत थे यहाँ पे, यहाँ पे तो नदी पहुँचने का मतलब नहीं था, बट इस बार इसने डायरेक्शन ही चेंज कर दी, मैंने आपको बता दिया था। ये गांव का रोड है, ये भी पूरा डैमेज होके नीचे आ गया, और ब्यास रिवर का तो पानी चला ही है यार इस साइड सारा। जब तक ये सारा पानी डाइवर्ट नहीं हो सकता उस साइड, तब तक यहाँ पे रोड का काम भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी नेचुरल वाटर का सोर्स है, तो यहाँ पे पानी पीऊँगा, फिर आगे क्लाथ में देखता हूँ खाने के लिए कुछ मिलेगा तो। ये वाला भी मेन पोर्शन है, लास्ट टाइम भी यहाँ पे 2018 में जब फ्लड आया था तो भी इसी जगह नुकसान हुआ था, यहाँ पे तो पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जय हो भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव।
पानी पीऊँगा यहाँ पे। सेम ऐसा यहाँ पे भी है, पैदल चलने को थोड़ी थोड़ा मुश्किल है। ओ भाई वाटरफॉल आ रहा है इधर से, तो भागो, गीला हो गया। ओ यार पर्स गिर गया यार मेरा, यार दिन ही खराब हो गया, मेरा पर्स गिर गया नीचे। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पूरा आईडी जितना भी था यार, पैसे थे थोड़े बहुत, वो भी चले गए। मूड खराब हो गया आज तो। कोई बात नहीं यार, आधार कार्ड थे, पैन कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, डॉक्यूमेंट थे, वो पूरा का पूरा चला गया। लोगों को पैदल ही आना जाना पड़ रहा है इस रूट पे, वो देखो वो तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे को लेके जा रहे हैं। कंटिन्यू रोड डैमेज है यार, कुछ भी नहीं बोल सकते कि कितना टाइम लगेगा, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे तो भाई लोगों का कैंप, यहाँ पे भी मैंने कई बार ब्लॉग बनाया यार, वो देखो उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ बेचारों का। वो सामने ही क्लाथ है, क्लाथ पहुँचने वाला हूँ अभी। चल चल के हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, धूप बहुत तेज़ है। वो बेचारे देख लो यार, छोटे छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यार 5-7 किलोमीटर के बाद अब पहुँच गया हूँ मैं क्लाथ में। वो सामने ही क्लाथ हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे भी रोड है ही नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ से होते हुए। ये देख लो कैसा मुश्किल रास्ता है, यहाँ से कैसे चढ़ेंगे यार, आंटी को तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड हुआ करता था, यहाँ पे प्राइवेट था, वो आगे सरकारी है, वो गया होटल में भी है गर्म पानी। बट ये पूरा का पूरा सारा रोड भी चला गया है, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी हुआ करता, वो भी नदी का फ्लो यार वहाँ से होता था। और टोटली इधर आ गए, पूरा लोगों की ज़मीन भी ख़त्म कर दी, रोड तो किया ही किया ख़त्म यार। वो देखो सिर्फ पैदल चलने लायक रास्ता बचा है, कहीं कहीं तो वो भी नहीं है। यहाँ से बंद है, ऊपर से जाना पड़ेगा वहाँ पे। यह दोस्तों मेन क्लाथ, थोड़ा सा आगे आ गया था मैं जहाँ हॉट स्प्रिंग था, एंड यहाँ पे है वृद्धाश्रम। शुक्र है यार पूरी की पूरी बिल्डिंग सेफ है, एंड अंदर भी सब लोग ठीक है। मैंने पूछा था अंदर जाके इनको, लास्ट यही बिल्डिंग बची है यार, आप बिलीव नहीं करेंगे, भगवान भी देखता है कहीं ना कहीं, सिर्फ ये बिल्डिंग बची है। उसके बाद यहाँ पे आगे जितनी भी दुकानें थी वो सब के सब चली गई, इवन स्कूल था यहाँ पे, ये देख लो स्कूल के जस्ट बैक साइड में ही वृद्धाश्रम था, वो बच गया है। बाकी तो भाई यहाँ से आगे पूरा रोड ही फिर से सेम वैसा ही हो गया जैसा पहले था, मैंने आपको पीछे भी दिखाया। ये वाला ब्रिज लटक गया है, बाकी रोड तो इधर उधर से गाय भी है। लोग देख लो पैदल कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, मेरे को भी यहीं से जाना पड़ेगा, भूख भी लग रही है। जो लोग बीच के उस साइड है उन लोगों को वहीं बैठना पड़ेगा जब तक ये रोड ओपन ना हो, छोटे बच्चे के साथ तो यार ज़्यादा मुश्किल है बेचारे। रास्ता भी है ही नहीं, पूरा पहाड़ पहाड़ से ही है। वो कॉटेज बहुत लकी है क्योंकि वो लास्ट बच गया था, निकलने ही वाला था, बट शांत हो गया फ्लड उस टाइम, एंड टाइम पे टिक गया है। बट यार पैदल आने जाने वाले तो
हालत खराब होने का काम है। उस साइड से भी बड़ा नाला आया होगा, उसने भी डैमेज कर दिया इसको। ओह माय गॉड, जितना भी वीडियो बनाऊं यार थोड़ा ये यार देख लो, जितनी आगे जा रहा हूँ उतना ज़्यादा नुकसान दिख रहा है। मैक्सिमम तो रोड का ही हुआ है ज़्यादातर, शुक्र है होटल वगैरह ऑलमोस्ट सब सेफ है, मनाली में होटल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे सर्विस स्टेशन हुआ करता था गाड़ी धोने के लिए, वो भी बंद हो गया क्योंकि पूरा फ्लड आ गया है। एंड ये जो गाड़ी है ना यार, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सब यहीं पे फंस गई है, ना ये आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ये देख लो रोड भी आगे है नहीं, मैक्सिमम गाड़ियाँ बाहर की यहाँ पे फंसी हुई है। हेलो, क्योंकि आगे तो पूरा रोड ही बंद कर दिया है, रोड के मतलब वहीं से बीचों बीच तो नाला आया था यार। क्लास से जस्ट एक आध किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे आके यहाँ पे देख लो पूरा का पूरा ट्रक ही ट्रक है कि बस है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देख लो यहाँ पे भी कोई ना कोई गाड़ी है, वो वाला भी बस ही लग रही है। थोड़ा आगे जाके सबसे मेन पोर्शन तो वो वाला है ग्रीन टैक्स बैरियर का। अभी मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों जस्ट ये ग्रीन टैक्स बैरियर का एरिया है, सामने ग्रीन टैक्स है, बट रोड तो यार पूरा का पूरा ही ख़त्म कर दिया यार सब करके। सच्ची है यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई थी ना, बस ट्रक छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सब के सब बह गई। अभी पहुँचने वाला हूँ बट यार थक गया हूँ बुरे तरीके से। ओ माय गॉड, यहाँ पे ग्रीन टैक्स बैरियर था, बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पे टैक्स दिया करती थी और रोड तो यहीं से था, नदी देख लो कहाँ से आ गई, बिल्कुल बीचों बीच आ गई। एक्चुअली इसका फ्लो था उस साइड से, यहाँ से भी आ गई एंड वहाँ से भी पीछे से ही, मैं पीछे से दिखाऊंगा कहाँ से इसका पूरा का पूरा फ्लो अंदर आ गया बिल्कुल बीचों बीच रोड के। नैनो किस भाई की होगी यार, बेचारा ख़त्म हो गई है नैनो की, छोटा हाथी था किसका ये भी ख़त्म हो गया। लोगों की नई नई गाड़ियाँ यार ख़त्म कर दिया देख लो। ओह माय गॉड, ये है ग्रीन टैक्स बैरियर, वो देखो सामने ये टूरिज्म की बस है यहाँ पे थी, बट पूरा का पूरा पानी अंदर ही आ गया। ये देखो एक और गाड़ी, वो देख लो। ओह माय गॉड, वो अपने दोस्त की गाड़ी है वो सामने वाली, बिल्कुल सेंटर से रोड हुआ करता था और नदी भी बिल्कुल बीचों बीच आ गई। ये सारी टूरिज्म की बसें हैं, पानी पूरा इसके अंदर ही भर गया देखो, आधा आधा गाड़ियाँ डूब गई है ये भी। अब तो रेत निकालना पड़ेगा उसके बाद ही ये निकल पाएगा। इतनी भयानक तबाही यार, इससे पहले आज तक कभी हुई नहीं मेरे सामने। ऐसे तो बुजुर्ग बोल रहे थे कि 95 में ऐसा फ्लड आया था, बट इतना नुकसान नहीं किया था उसने। ओ माय गॉड, सफारी जिप्सी बस ट्रक छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सब 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 तबाह कर दिए यार। मशीनें लग रही है रोड को निकालने के लिए, बट इतनी ज़्यादा तबाही यार। यहाँ पे हुआ करता था रॉयल इनफील्ड का शोरूम, डबल फ्लोर था एंड यहाँ पे वॉल्वो का सर्विस स्टेशन भी था, वो पूरा का पूरा चला गया है, वो उनका सर्विस स्टेशन था वॉल्वो वालों का। एंड ये वाली सब्जी मंडी है यार, सब्जी मंडी की पूरी बिल्डिंग सेफ है, नदी उसके पीछे से जाती थी बट इस बार बिल्कुल अपोजिट आ गई, बीच में ही हो गई। ये देखो सरकारी गाड़ी है ये भी ख़त्म हो गई किसकी। वो पीछे वाले होटल तक नुकसान कर दिया इसने। ओह माय गॉड, इतना बड़ा डंपर इसको भी उठा के फेंक दिया, रोड का कोई नामो निशानी है। ये देखो सब की सब गाड़ियां डैमेज कर दिया।
बड़े बड़े ट्रक तो कहीं तो चले गए, उनकी तो गिनती भी नहीं है यार, वो तो ढूंढने के भी नहीं मिले। ये देखो पूरा तालाब बन गया, यहाँ से आई थी नदी बिल्कुल बीचों बीच। बट काम जो है बड़ा जोरों शोरों से चला हुआ है रोड को निकालने का। हुंडई का पूरा शोरूम था यहाँ पे, गाड़ियाँ भी थी अंदर, सब डैमेज कर दिया। स्टार्टिंग इसकी वहीं से हुई यार, एक्चुअली रोड तो इधर से था बट वहीं से इसने डायरेक्शन चेंज कर दी पानी की, तो पूरा पहले इस साइड आके पूरा सारी बिल्डिंगें तबाह कर दी। यहाँ से देख रहा हूँ साइड से नीचे नीचे। अभी सबसे पहले हो रहा है रोड का काम, तो जैसे ही रोड ओपन हो जाएगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगी यार। काफ़ी लोग फंसे हुए अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी दिन हो गए फ्लड आके। गाड़ियों को मनाली से लेकर ग्रीन टैक्स बैरियर तक, यहीं तक रोड है। आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ गई है मेन मार्केट से नीचे को। तो यार मार्केट यहाँ से तीन किलोमीटर ऊपर है अभी, तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ट्रैक मैंने कर लिया है। 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर बचा है अभी। यहाँ से इजीली कोई ना कोई लिफ्ट या कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। बट सबसे पहले जाएंगे आंटी के ढाबा में, जहाँ पे मैं और मोस्टली खाना खाया करता था। देखते हैं खुला होगा तो, नहीं तो फिर मनाली जाना पड़ेगा। दोस्तों आंटी के ढाबे पे गया था, खाना यहाँ पे है ही नहीं, बोल रहे थे फूड की सप्लाई नहीं आ रहे, तो हम लोगों को खुद को खाने की थोड़ी दिक्कत हो गई है। आज जाके गाड़ी आई है मनाली बस स्टैंड से नीचे को। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे रोड का काम चल रहा था, तो पिछले कल वो थ्रू हो गया था, आज मैं ऊपर जाके फिर भी दिखा दूंगा आपको। एंड आंटी बता रही थी यार लाइट जो है पिछले कल एक हफ्ते के बाद आई है, एंड 2 दिन तो पानी पीने को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई बोला। ये है जिंगवस बलाउंज, यहाँ पे वॉल्वो जिंगवस वालों की वॉल्वो भी रुकती थी, उनका ही होटल है। यहीं से लेकर सारा नुकसान किया इसने, बाकी ऊपर तक तो थोड़ा रोड ठीक है बिल्कुल, मनाली मार्केट तक एक जगह ही है बीच में मैंने आपको दिखाया था, बाकी अब ऊपर जाके लगेगा पता, क्योंकि इस रोड पे मैं पहली बार ही जा रहा हूँ फ्लड के बाद। 2 किलोमीटर अभी रांगड़ी है यहाँ से, एंड उसके बाद 1 किलोमीटर मनाली मार्केट, तो 3 किलोमीटर अभी और पैदल ट्रैकिंग है यार। ये होटल मैस्टिफ मनाली, इसके पीछे से ही सारा पानी इधर को आ गया। ये वाला मनाली वैली रिजॉर्ट, ये शनि मंदिर, एंड इस साइड वाला सारा एरिया है कैंपिंग का एरिया। आगे है भानु ब्रिज, कोई भी एरिया इसने नहीं छोड़ा यार। ज़रूरी नहीं कि वो रोड के साथ में हो या नदी के किनारे, जितने भी लिंक रोड है गांव के रोड है वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान किया है। ये तो मैं आपको सिर्फ हाईवे का ही दिखा रहा हूँ। दोस्तों शनि मंदिर से आगे भानु पुल, वहाँ से 2 किलोमीटर तक अंकल जी ने लिफ्ट दे दी यार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये वाली गाड़ी आ रही है मेन मार्केट से, वॉल्वो बस स्टैंड के पास मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ पे भी रोड थ्रू हो गया है। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था लास्ट ब्लॉग में कि ये वाले रोड का काम चल रहा हुआ है, तो अभी देख लो आप ये वाला रोड ओपन हो गया है, वॉल्वो बस स्टैंड के पास निकलेगा ये रोड, एंड पैदल चलने वाले तो वहीं से ऊपर से ही जा रहे हैं। अभी अपनी गाड़ी भी है ऊपर मेन मार्केट में, तो जाऊंगा वहाँ पे, सबसे पहले तो खाना खाऊंगा यार, भूख लगी है, सुबह से लेकर कुछ खाया नहीं। मैं ऊपर से ही जाता हूँ पैदल पैदल शॉर्टकट। ये देख लो ऊपर की गाड़ियाँ भी सारी थ्रू हो गई है इस रूट पे, बट रोड मैंने आपको दिखाया था ग्रीन टैक्स बैरियर तक ही है जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आया है, तो ये सिर्फ वहीं तक है। जैसे ही वो वाला रोड ओपन हो जाएगा तो ये रोड नीचे को ही काम करते करते कुल्लू तक इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से इजीली मिल जाएगी कोई ना कोई लिफ्ट यार, अब तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, वॉल्वो बस स्टैंड तो पहुँच गया, बस यहाँ से 500 मीटर ऊपर जाके अपनी गाड़ी है। फाइनली 3-4 घंटे के बाद पहुँच गया हूँ यार मनाली। ये मनाली का हॉस्पिटल है, ये वाली पूरी पार्किंग है, यहीं पर सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, अपनी गाड़ी भी इधर ही है, बट 3-4 दिन से खुली है, ना लॉक किया है ना कुछ, बट यहाँ पे चोरी का टेंशन ही है। ये देख लो है, शायद मैंने दोस्त को बोल दिया था लॉक करने को, उसने कर दिया होगा।
सारी की सारी गाड़ियां लग गई है पार्किंग में, क्योंकि हम लोगों की बड़ी गाड़ियों की जो पार्किंग होती थी रोड के साथ में, वहां पे फ्लड आ गया है, तो गाड़ियां सारी शिफ्ट कर दी है यहां पे पार्किंग में। एंड गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है यार, अभी चलते हैं वापस पतलीगुल के लिए। बाहर नगर होके ही जाना पड़ेगा उस रोड पर। ये दोस्तों मनाली का मॉल रोड, मार्केट भी यही है एंड वो सामने मॉल रोड है। पब्लिक है अभी ज़्यादा नहीं है, कम है, बट पहले से तो कम क्राउड है। ये दोस्तों अपना लोकल बस स्टैंड, यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ निकलती है। ये बसेस भी नगर होके जा रही हैं कुल्लू के लिए एंड मंडी के लिए। ये वाला ब्रिज है दोस्तों, जगत सुखा ब्रिज, ये देखो। इस वाले ब्रिज ने इस बार अच्छी साथ दिया, वो वाला तो टूट के हो गया था डैमेज पूरा। पर अभी भी रोड का काम चला हुआ है, कंटिन्यू गाड़ियाँ चली है। अभी पहुँच गया हूँ दोस्तों अपने पतलीकुल की मार्केट के पास। ये है नगर पुल का ब्रिज, इस जगह को नगर पुल कहते हैं। दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था ये वाला रोड ओपन हो गया था, तो अभी ये पूरी तरह से ओपन है गाड़ियों के लिए, क्योंकि अभी सेब का सीज़न भी चालू होने वाला है। अभी फ़िलहाल नाशपति का सीज़न चालू है, तो उन लोगों को नुकसान ना हो, ज़्यादातर उनका नुकसान हो सकता है यार इस वक्त अगर गाड़ियाँ नहीं चली तो ये बेटर है, क्योंकि वहाँ पे सब्जी मंडी भी है तो ये